अब आप राजपथ पर देखिए भारतीय सेना की ताकत, सामरिक ताकत, वो शक्ति जिससे दुश्मन थर थर कांपता है। कैसे हम अलग अलग अस्त्र और शस्त्रों के जरिए भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इसमें जिक्र पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का भी है, जिसकी जो रेंज है वो तकरीबन 37 किलोमीटर की है और इसे बढ़ाकर आने वाले समय में 90 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। स्थिति ऐसी कि ये तकरीबन दुश्मन को अकेले ही पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसके अलावा T-90 भीष्म टैंक को किंग ऑफ द बैटल भी कहा जाता है। ये इस वक्त पर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के सामने तैनात भी है। इसके अलावा ब्रिज लेयर टैंक की मैं अगर बात करूं तो सेना को जल्दी से जल्दी सेकंड्स में पुल बनाने का काम कर देने वाली मशीन और युद्ध क्षेत्र में ये बहुत अहम हो जाती है। इसके अलावा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन अगर आप रेंज के हिसाब से बात करें, दूरी के हिसाब से बात करें तो 400 किलोमीटर की है। इसे हमने सबसे पहले रशिया के साथ मिलकर बनाया था और अब इसके वेरिएंट्स जो हैं वो भारत अपने दम पर बनाता है। इसके अलावा EWE यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट सिस्टम समविजय की मैं बात कर रहा हूं और ये अपने आप में बहुत खास है। खास तौर पर दुश्मन को कैसे तकनीकी रूप से विफल करना है, यानी कि उसके रेडार को चकमा देना है, टेक्निकली उसे मारना है या फिर इसके अलावा उसे अक्षम करना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है संविजय। इसके अलावा सिल्का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कमांड कर रही है कैप्टन प्रीति चौधरी, उसे भी आप देख सकते हैं। इसकी भी मारक क्षमता अगर आप देखें, खास तौर पर हल्का होता है काफी और लगातार अगर आप एयर डिफेंस की बात करें वो देने में कारगर है, लैंड डिफेंस देने में कारगर है। इन सभी की ताकत भारतीय सेना को मिली हुई है इस वक्त पे और आने वाले समयों में इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। और ये भारतीय सेना को किस तरह से सशक्त कर रहे हैं, खास तौर पर पिनाका की मैं बात करूं या संविजय की मैं बात करूं, ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत भी है जिसे आप लगातार आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसीलिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। इन सारी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। The MBT or the main battle tank is designed on the hunter killer concept and is equipped with a powerful 125mm smoothbore gun, one 7.62mm coaxial machine gun and a 12.7mm anti-aircraft gun. In fact, the tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night. It is also capable of moving underwater. And the motto of the regiment is Sarvatra Yasho Vijay. Past the saluting base, the detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2, Sarath, led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajputana Rifles. The BMP is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. The Indian Army has recently upgraded it with thermal imaging sight kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. Thank you.
राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। आईसीवी बीएमपी 2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह को रोमांचित करते हुए विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, और अब राजपथ पर गर्जना हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर की, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन कमरुल जमाने। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का दरअसल ये डिटैचमेंट सेना की 861 मिसाइल रेजिमेंट का अंग है, जिसका आदर्श वाक्य है डू इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। युद्ध घोष स्वामी शरणम अय्यप्पा। कैप्टन कमरुल जमा के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस के बाद अब रुख करते हैं 861 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन विभोर गुलाटी। पिनाका का उद्गम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर आधारित बताया जाता है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, यानी आदर और गौरव के साथ सब जगह। उपस्थित जनसमूह रोमांचित भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू होते हुए और अब आ रहा है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का ब्रिज लेइंग टैंक T-72। यह ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT आवश्यकता पड़ने पर 3 से 5 मिनट में एक पुल बिछा सकता है और 5 से 8 मिनटों में पुल को हटा भी सकता है। खास बात यह है कि ये सारे काम टैंक के अंदर से ही किए जाते हैं। दस्ते का नेतृत्व कैप्टन सचित शर्मा कर रहे हैं, साथ हैं कैप्टन अमित गावर। और अब स्वागत कीजिए कोर ऑफ सिग्नल्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा। कोर ऑफ सिग्नल्स का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, यानी सजग और सुरक्षित। And this is Captain Preeti Chaudhary, the Shilka weapon system. Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making this weapon system precise and lethal. The motto explains it all, Akasher Shatrunjahi. All eyes towards the sky for the diamond in the air. Advanced light helicopters flying in a perfect diamond formation. These are 2 Rudra helicopters and 2 Dhruv helicopters led by Colonel Sudip Tochaki. Other members of the formation are Lieutenant Colonel Amit Mehta, Lieutenant Colonel Sumit Unyal and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Meanwhile, the strong rhythmic sounds of boots fill the air and inspire confidence. This is the Jat Regiment, led by Captain Rishabh Singh Sambhyal.
Jat Regiment is well renowned for its valor and sacrifice. This is reflected in their war cry, Jat Balwan, Jat Bhagwan. Combined band of the Mechanized Infantry Center, Para Regimental Center, and Jat Regimental Center, led by Subedar R. Kannan. The tune, Haste Gaate. Regimental bands help soldiers to march in synchrony. Garhwal Rifles ka dasta, Captain Rajput Saurabh Singh ke netritv mein. भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक, इसके जवान गढ़वाल के 7 जिलों से आते हैं। सभी ऑपरेशंस और दोनों विश्व युद्धों में इसने भाग लिया है, कई सम्मान अपने नाम किए हैं। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बद्री विशाल लाल की जय। सुभायु बोस ने कमान संभाली है महार रेजिमेंट के दस्ते की। महार रेजिमेंट का गठन 1 अक्टूबर 1941 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुआ। इस रेजिमेंट को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कई सम्मान मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है यश सिद्धि और युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। संयुक्त बैंड दस्ता सूबेदार कलवंत सिंह के नेतृत्व में और सहायक नायब सूबेदार परगट सिंह के साथ बैंड धुन बजाता हुआ सरहद के रखवाले। मेजर हरीश ठाकुर ने कमान संभाली है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के दस्ते की। इस रेजिमेंट का गठन महाराजा गुलाब सिंह ने सन 1820 में किया था। जनवरी 1957 में भारतीय सेना में इसका विलय हो गया, तब से इस जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। कई सम्मान और पदक इसके नाम हैं। रेजिमेंट का युद्ध घोष है दुर्गा।